आती है। अगर आप देखोगे ना अभिषेक, तो अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो अच्छा लग रहा है। मतलब 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप देख रहे हो तो 710 में अच्छा लग रहा है। ये 750 से 760 का लेवल आना चाहिए। इसमें एक जी बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, 10 साल का ब्रेकआउट हुआ था 600 के लेवल पे। उसके बाद 720-730 के रेंज में आके ये कॉन्सोलिडेट हो रहा था पिछले कुछ दिनों से। अब यहाँ जी से एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, तो हमें लगता है 760 से 770 का लेवल आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा। ठीक है। तो एक ब्रेकआउट की ये तैयारी कर रहा है भारतीय एयरटेल। आगे आपको 760 से 770 तक का लेवल देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में। फिलहाल 709 710 पर कारोबार करता हुआ आपके स्क्रीन पर भारतीय एयरटेल। सर अगर बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी में निवेश की, तो कोई स्कोप दिख रहा है या फिर अभी भी दूरी बना के रखें, इंतजार करें लोकेशन? अभिषेक, ये राइट टाइम होगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो इन्वेस्ट करने के लिए राइट टाइम है। जी हमारा मानना है फेब्रुअरी तक, मतलब बजट सेशन तक आपको जी निफ्टी 20,000 के लेवल तक दिखा सकता है। बजट इन द सेंस, बजट मंथ तक की बात कर रहा हूँ, बजट एक तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ। फेब तक हमें 20,000 का लेवल आते हुए दिख रहा है निफ्टी में। अभी 17,700-17,500 का लेवल जो है एक बड़ा सपोर्ट जोन है। यहाँ से एक निफ्टी वापिस रिबाउंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर 17,400-17,420 टूट जाता है तो मैं थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का और नेगेटिव देख रहा हूँ निफ्टी में, बट वो चांसेस बहुत कम है। 17,500 जो है एक बड़ा सपोर्ट जोन मेरे हिसाब से काम करेगा, और यहाँ से ही वापिस आपको रिबाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट नेक्स्ट वीक से हमें ये लगता है, इस महीने एक दिवाली की छुट्टी है और थोड़ा से हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर भी हैं वो थोड़े से डीआईज भी हैं और ठंडे रहेंगे, वॉल्यूम्स कम रहेंगे इस वीक में, तो इसलिए वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है इस वीक। नेक्स्ट वीक से आपको सही तरीके से रुझान देखने को मिलेगा कौन सा साइड निपटी जा रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से जो है एक अच्छा रुझान निफ्टी में देखने को मिल सकता है कि निफ्टी जो है 17,400-17,500 को तोड़ता है या फिर 17,700, अभी जो करेंट मार्केट प्राइस 740 चल रहा है, एक अच्छी छलांग लगा के एक अच्छा अप ट्रेंड मूव दिखा सकता है। तो अगले वीक में रुझान जो है निफ्टी क्या रुख दिखाएगा वो क्लियर हो सकता है। सर एक बार बैंक निफ्टी की ओर बढ़िए और टेक्निकल व्यू दीजिए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी एक स्मॉल दायरे में अभी रहेगा। 3,800, 3,100, 200 जो है 100 डेज मूविंग एवरेज है, वो एक जी बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में, जो यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट नीचे है अभी। तो अगर करेक्शन गहराता है तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। राइट नाउ मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो हमें लगता है 3,800-900 जो 400 पॉइंट नीचे है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ से वापिस 40,000-41,000 का लेवल हमें आते हुए दिखेगा। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड जोन में है। पीसीआर बहुत कम है, 0.7-0.8 के पीसीआर में दोनों इंडेक्स चल रहे हैं, तो हमें लगता है यहाँ से आपको एक बड़ा अप मूव या शॉर्ट कवरिंग मूव तो आते हुए दिखेगा। ठीक है। तो सर नीचे आप एक सपोर्ट 38,800 38,900 पर देख रहे हैं क्या? जी, जी। और ऊपर जो है रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रहा है सर? कौन सा ऐसा पहला हार्डवेयर जो रेजिस्टेंस आपको ओआई डेटा के हिसाब से दिखेगा तो 40,000 में दिखेगा। 40,000 ठीक है, पहला जो रेजिस्टेंस है 40,000 में दिख रहा है, जहाँ ये हैंडल दिख रहा है। नीचे सपोर्ट की भी बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो 38,800 38,900 पर एक सपोर्ट दिख रहा है। इसे तोड़ता है तो नीचे लुढ़कता हुआ बैंक निफ्टी अभी भी दिख 39,200 चल रहा है। मैं 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है और 700 से 800 पॉइंट का टारगेट आपको हमें आते हुए दिखेंगे। ठीक है। 3:7 एक अच्छा आपको टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी की, अभी चर्चा हो रही थी। ठीक है सर। सर आगे स्टॉक की ओर बढ़े, दर्शकों के सवाल की ओर बढ़े, उससे पहले आप बता दें कि कोई ऐसा स्टॉक जिसे आप ट्रैक कर रहे हो तो एक बार बता दें, फिर आगे हम दर्शकों के सवाल की ओर बढ़े। हाँ, तो हमने आपके यहाँ पर दो एक स्टॉक रिकमेंड किया था, जेएसएल हिसार। जी जो हमने रिकमेंड किया था वो किया था 315 के रेंज में, 350 का टारगेट था, वो आ चुका था लास्ट वीक।
तो उसके बाद हमने वापिस आपके चैनल पे ही इसको री एंटर करने के लिए बोला था 330 पे, अभी 340 चल रहा है। इसको होल्ड रखें, स्टॉप लॉस बढ़ा ले 320 का। अब हमारा 310 का स्टॉप लॉस था, 320 का स्टॉप लॉस कर ले। 360, 380 और 400 का टारगेट हमें आते हुए दिखेगा। तो ये पहला अपडेट था, माफ कीजिएगा, जेएसएल हिसार का, जहां 315 पे एंट्री हुई थी, टारगेट 300 हो चुका था, फिर री एंटर कराया सर ने 330 पर। स्टॉप लॉस अभी 320 लगा लीजिएगा, ट्रेल कर लीजिएगा 310 से। आपको अगला टारगेट जो है 360, 380 और 400 तक जाता हुआ दिख सकता है जेएसएल हिसार में। ठीक है सर। अभिषेक, अगर कोई नया लेना भी चाहे तो इस भाव में ले सकते हैं। अच्छा, अगर 340 पर कोई नई एंट्री भी लेनी चाहे लेना चाहता है, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है, जैसे निसार को ऐड कर सकते हैं। आपको टारगेट जो है अच्छे टारगेट मिल सकते हैं 360, अब एक बार मैं आपको बता दूं, 380 और 400 तक के टारगेट ले सकते हैं। याद रखें स्टॉप लॉस आपको 320 पर लगा के रखना है जेएसएल निसार में। ठीक है सर, जी। आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा, आज क्योंकि दिवाली का मौका है, मैं सोच रहा था क्यों ना एक साल के लिए कोई अच्छा एक स्टॉक दिया जाए। तो आज जी जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ उसका नाम है प्रेस्टी स्टेट। जी अभी ये 430 के अप्रोक्स का भाव चल रहा है, 436 रुपये चल रहा है अभी। ये एक साल के टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ। जी 380, 390 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 550, दूसरा जी 580 और तीसरा 620 का टारगेट हमें आते हुए दिख सकता है एक साल के अंदर। जी तो बात हो रही थी प्रेस्टीज स्टेट स्टेट की। जो भी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 436 चल रहा है। एक साल जी की जी अवधि जी आपको इसको होल्ड करके रखना है। ये दिवाली के लिए स्पेशल सर की तरफ से गिफ्ट है, और आप एक साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको टारगेट 580, 550, 620 तक जाता हुआ ये शेयर दिख सकता है। याद रखें आपको एक साल के लिए होल्ड करना है, करेंट मार्केट प्राइस पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। एक साल यानी अगले दिवाली तक आपको अच्छा रिटर्न ये शेयर दे सकता है। स्टॉप लॉस आपको 390 लगा कर रखना है। ठीक है सर, आगे भी कोई है सर आपके ट्रैक लिस्ट में या फिर आगे बढ़े? हाँ, हमने एक और स्टॉक दिया था कैन बैंक, जी सर 170 में हमने ये रिकमेंड किया था। 210, 230 और 260 का टारगेट था हमारा। 210 का टारगेट कल आ चुका है। जी अगर जो भी दर्शक हैं जो इसको बाई किया था हमारे रिकमेंडेशन में, वो उनको होल्ड रख सकते हैं। नया बाई भी हो सकता है अभी भी 210 में भी। स्टॉप लॉस बढ़ा ले 195 का, 195 का स्टॉप लॉस रख ले। एंड इसका जो नेक्स्ट टारगेट आए जो 230 और 260 का है वो अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो पहले जिसके स्टॉप लॉस पास हमने इंक्रीज कर दिया। हाँ, स्टॉप लॉस जो है ट्रेल किया गया है, स्टॉप लॉस इंक्रीज किया गया। कैनरा बैंक की बात हो रही थी, करंट मार्केट प्राइस 211 चल रहा है। सर का पहला टारगेट जो है हिट हो गया, 210, 211 का जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। दूसरा टारगेट 230, ऑलमोस्ट दो 50 पॉइंट मिल गए। जी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट टारगेट जो है अगला 230, 260 अगला टारगेट है। अगर आप करेंट पहले से है तो होल्ड करके रखें, नई एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लें। 211, 212, 210 पर अभी ये कैनरा बैंक कारोबार करते हुए दिख रहा है, एंट्री ले लें। आपको स्टॉप लॉस 195 का लगाना है। पहले से जिनकी होल्डिंग है वो भी अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 195 पर। टारगेट जो है 230 से, 230 अगला टारगेट 260 आता हुआ दिख सकता है कैन बैंक में। ये सर की रिकमेंडेशन थी, एक टारगेट है, दूसरा और तीसरे टारगेट के लिए अभी ये स्टॉक जारी है। टारगेट हिट बहुत जल्द कर सकता है, आप ट्रेल कर ले स्टॉप लॉस 195 पे। कैनरा बैंक की बात हो रही थी सर, आगे कोई ट्रैक लिस्ट में या फिर दर्शकों के सवाल की ओर बढ़े? सवाल लीजिए सर। सवाल ले लेते हैं सर कुछ। ठीक है सर, सर एक बार कैनफिन पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। कैनफिन सर जी। जी अभी मैंने एक स्टॉक दिया था प्रेस्टीज स्टेट्स का, जी राइट। कैनफिन हमने ये कॉल इसलिए दिया था क्योंकि जी हमें लगता है आने वाले एक साल में रियल एस्टेट सेक्टर एक अच्छा मूव दिखाएगा। जी कैनफिन उसका एंसिलरी प्रोडक्ट है। कैनफिन होम जो है हाउसिंग सेक्टर में लोन प्रोवाइड करती है। तो जी अभी इसका भाव 650 के अप्रोक्स चल रहा है आई बिलीव।
इसका 630 का भाव चल रहा है। हमने ये आपके चैनल पे रेकमेंड किया था 580 में और 710 का टारगेट था, अब वो अचीव होने के बाद हमने इसको क्लोज भी करा दिया था 710 पे। उसके बाद हमने इसका रीइनिशिएट नहीं किया स्टॉक को, बट अगर कोई दर्शक आपके चाहे इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म 3 से 6 महीने के हिसाब से लेना चाहे तो ये भाव बुरा नहीं है। 630 में ऐड करें, 580 590 का स्टॉप लॉस रखें, एंड हमारा वापिस जो 710 का टारगेट था जो अचीव हो चुका था पहले, वापिस वो आने आने का दमखम लगता है 2 से 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो 2 से 3 महीने के अंदर फिर से 710 की टारगेट को टच करने का दमखम रखता है कैनफिन होम। करेंट मार्केट प्राइस की बात कर लेते हैं, 630 632 पर अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अगर आप करेंट मार्केट प्राइस को एक्युमुलेट करते हैं, याद रखें आपको स्टॉप लॉस जो है 590 का लगा के रखना है कैनफिन होम में। सर एक बार इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। हाँ जी जी, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस आप देखोगे ना अभिषेक, 2000 से लेके 2021 खत्म होने वाला है, एक ही छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली कोई राय इसमें नहीं है, बट इंट्राडे या पोजिशनली अगर कुछ दिन के लिए ट्रेड करना है 3-4 दिन के लिए वो तो अलग चीज है, मगर अभी नया बाई करने का कोई राय नहीं है फॉर 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम से। जब तक ये रेंज नहीं ब्रेकआउट हो रहा तब तक हम इसमें एंटर ना करें तो ज्यादा बेटर है। इसमें एक मर्जर का भी बात चल रहा है, मर्जर हो रहा है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, नहीं सॉरी इसमें नहीं है वो आईबुल रियलिटी में है, बट ये एक रेंज में है तो इसमें आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है, एक रेंज में तो दिख रहा है, आप इसमें मंथली चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा अभिषेक। एक रेंज बाउंड में दिख रहा है, इसे थोड़ा अवॉइड करके चले। डायरेक्टर साहब एक बार मंथली चार्ट लगा दीजिए, इसको आप राइट क्लिक करके रिसेट कीजिएगा चार्ट को, फिर मैं एक बार राइट क्लिक करके रिसेट। सर आगे टाटा इन्वेस्ट पे बात कर लेते हैं, इसका चार्ट में फिर से आपके सामने जी। टाटा इन्वेस्ट एक मिनट कर लेते हैं। टाटा इन्वेस्ट हमें बहुत अच्छा लग, हाँ हमें अच्छा लग रहा है अभिषेक, ये कंटिन्यूअस अप मूव होने के बाद पिछले 3 वीक से लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, बट ये छोटा सा करेक्शन का पार्ट है। आप अगर देखोगे इसका जो 4th वीक था जिस टाइम पे ये एक अप मूव दिखाया था, 3 वीक के करेक्शन में भी वो एक कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। अगर वीकली चार्ट पे देखोगे 3 वीक के करेक्शन में भी ये इसने उस पहले वीक का जो प्राइस है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसमें ऐड करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा लो 1412 रुपए का, वापिस हमें 1600 का लेवल आते हुए दिख सकता है। जो ये वाला जो कैंडल है छोटा वाला डाउजी में जो बना हुआ है डाउजी, इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लें 466 का। जी जी यहाँ पर ही 466 के करीब आपका स्टॉप लॉस बैठेगा, सॉरी 1422 का स्टॉप लॉस बैठेगा, वापिस 1600 को लेवल आपको आते हुए दिखेगा। यस सर, स्टॉप लॉस जो है 1422 का, यानी 1422 का स्टॉप लॉस लगा ले, 1600 तक के टारगेट आपको टाटा इन्वेस्ट में दिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ना जो वॉल्यूम है, जब करेक्शन हो रहा है तो देखो वॉल्यूम है ही नहीं, जब ये स्टॉक अपमूव हो रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो ये दिखा रहा है कि ये वापस अप मूव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। जी बिल्कुल, मूव होने के चांसेस जो है अच्छे खासे दिख रहे हैं टीवीएस इन्वेस्ट में। सर बायोकॉन पर एक बार अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए। बायोकॉन अवॉइड करके चले तो ज्यादा बेटर है, अगर किसी को एंट्री चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेस पे तो ले सकते हैं, 340 का स्टॉप लॉस लगा ले और 355 से 360-365 का टारगेट आपको आते हुए दिखेगा। पोजिशनली कोई ट्रेड नहीं बनता इसमें, अभी पोजिशनली कोई ट्रेड इसमें नहीं बनता है। 3 से 4 दिन के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 महीने के लिए कोई ट्रेड नहीं बनता। जी एक छोटी अवधि यानी 2 से 3 दिन
तीन से चार दिन के लिए ट्रेड करना चाहे तो हम कर सकते हैं, बट महीने दो महीने तीन महीने के लिए अभी कोई ट्रेड इसमें नहीं दिख रहा है। बायोकॉन की बात हो रही थी सर, एक बार टीवीएस श्री चेक पे बात हो जाए, 2313 पे अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। टीवीएस श्री चक्रा एक फ्लैगशिप कंपनी है टीवीएस ग्रुप की, ये टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है मेनली, एंड अगर इसको देखोगे ऑटो सेक्टर्स जो है रिवाइवल होने के चांसेस अभी बढ़ रहे हैं, तो आपको नवंबर के सेकेंड वीक या थर्ड वीक से आपको यहाँ पर एक अच्छा मूव आते हुए दिखेगा। अगर किसी के पास है तो इसको होल्ड रखें, स्टॉप लॉस लगा लें 2250 के करीब और इसको होल्ड रखें, नया एंट्री अभी ना करें, थोड़ा सा वेट करें, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के बाद वापिस कोई एनालिस्ट से आप रिव्यू जरूर ले लें। ठीक है, तो फिलहाल अभी कोई निवेश का स्कोप नहीं बन रहा, आगे अगर कोई रणनीति बनती है फिर हम बात करेंगे उस समय। ठीक है सर, सर एक बार आईजीएल की ओर देखिए और बताइए क्या कोई रणनीति बनती है। आईजीएल कौन सी कंपनी? आईजीएल जी, इंद्रप्रस्थ गैस जी सर, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, सबके आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ चुके हैं तो उसके लिए इनको, क्योंकि रॉ मटेरियल है इनका, इनका रिजल्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और कंटिन्यूअस डाउन मूव में है, तो नया बाई अभी नहीं करना चाहिए इस सेक्टर पे भी और स्टॉक पे भी। अगर किसी के पास है तो मैं आपको स्टॉप लॉस दे देता हूँ, अगर 460 के नीचे जाना स्टार्ट कर दे आईजीएल तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, वहां पर आप पैसा बना सकते हो। तीनों कंपनी बेहतरीन है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट अभी सही टाइम नहीं है इसमें एंटर करने का। ठीक है, तो अभी सही टाइम नहीं है आईजीएल में एंटर करने का फिलहाल, अगर 460 के नीचे अगर ये कारोबार करता हुआ दिखे, नीचे जाता हुआ दिखे, प्रॉफिट बुक कर ले, फिलहाल के लिए एंट्री करने की कोई सलाह नहीं है। सर हिंडाल्को में 11-12 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, कैसा दिख रहा है सर आपको चार्ट पर हिंडाल्को? एक सेकंड दीजिएगा जी। हिंडाल्को अभी आपको 421 के भाव में, 471 का भाव दिखेगा, एक 550 के जोन से जाके वापिस ये 470 आया है और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है मिड टर्म इन्वेस्टर को पैसा लगाने का। मेटल सेक्टर में हम बहुत बुलिश हैं, 450 का स्टॉप लॉस लगा के वापिस 550-600 का लेवल आपको आते हुए दिखेगा। इसमें दो स्टोरीज हैं, एक तो मेटल सेक्टर का स्टोरीज है ही, दूसरा इसमें कॉपर की स्टोरीज है। एक्चुअली आप अगर देखोगे ना, जैसे हमने गैस की बात की तो उसका रॉ मेटेरियल नेचुरल गैस है, मगर हिंडाल्को का सबसे बेनिफिट पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी कंपनी कॉपर में है जो ऑयल का काम करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ऑयल है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो चाहिए वो कॉपर चाहिए होता है, और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो कॉपर प्रोडक्शन करती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड रख सकते हैं एंड फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको एड कर पाए तो अच्छा है, करेक्शन होने के बाद अच्छा लेवल पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसे होल्ड करके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं, टारगेट आपको इसमें 600 तक के आते हुए दिख सकते हैं। सर हमारी स्टॉप लॉस की भी बात हुई थी, कितने के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना था सर हिंडाल्को में? हाँ, स्टॉप लॉस हम इसके बात कर रहे हैं 440 से 450 के रेंज में स्टॉप लॉस रख लें। ठीक है, 440 से 450 के रेंज में स्टॉप लॉस की बात हो रही थी, टारगेट हमें 600 तक आता हुआ दिख सकता है हिंडाल्को में। सर एक बार इंडसइंड बैंक की ओर नजर दौड़ाइए, इसमें भी सर एक 29-30 अंकों का ऊपरी उछाल देखने को मिल रहा है, स्टॉक कैसा है, इन्वेस्ट करने की क्या रणनीति रहेगी लोकेश सर? जी, इंडसइंड बैंक हमें टेक्निकली ठीक लग रहा है, अगर कोई ट्रेडिंग करने के लिए व्यू में लेना चाहे तो ले सकता है 1230 से 1240 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 1150 का लगा ले, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा नहीं बैठ रहा है इसमें अभिषेक जी, तो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 के करीब आ रहा है तो वो कंफर्ट नहीं दे रहा ऐड करने के लिए। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो इंडसइंड ना करके आईसीआईसीआई, कोटक या
कैन बैंक में ऐड करें ज्यादा बेटर होगा, ये HDFC, ठीक है। तो ये हाई बीटा स्टॉक है तो हमेशा आपको टेंशन देता रहेगा, ट्रेडिंग के जी लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं आ रहा, टारगेट और स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट बराबर बैठ रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। अभी बात हो रही थी इंडसइंड बैंक की, फिलहाल जो है इंडसइंड बैंक 1170 पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है, कुछ हाल दिखा रहा है। बट इससे अच्छा स्टॉक जो है बैंकिंग सेक्टर में आपको HDFC, कैनरा बैंक दिख सकता है, वहां निवेश करें। इसे अभी थोड़े देर के लिए, अभी कुछ दिन के लिए इसे दूरी बना के रखें, क्योंकि इससे अच्छा स्टॉक आपको मार्केट में, आपको बाजार में दिख सकता है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है सर, सर आगे एक बार वाटर बेस की ओर देखिए और बताइए सर क्या रहेगी आपकी रणनीति, रुझान कैसा रहेगा इस वाटर बेस से। हाँ, वाटर बेस अभिषेक जी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा लॉन्ग टर्म बेस पे। मैं ट्रेडिंग टेक्निकल व्यूज में आपको दे देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, अगर किसी के पास है तो किसी के पास है तो उसको आप स्टॉप लॉस लगा लें 107 रुपये का, और होल्ड रखें, 107 रुपये का टूट जाता तो इमिडिएटली निकल जाएं, ये 90 या 85 के लेवल भी आ सकता है अगर 160 टूट जाता है तो। लॉन्ग टर्म मिड टर्म कोई व्यू नहीं है बाई करने का। लॉन्ग टर्म मिड टर्म बाई करने का कोई व्यू नहीं है। अभी अगर आप पहले से आपकी होल्डिंग है स्टॉप लॉस 107 लगा लें, जैसे टूटता है आपको नीचे जाता हुआ ये शेयर दिख सकता है, तो फिलहाल 107 जैसे टूटता है अगर आपकी होल्डिंग है आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर बात करें इसके मोमेंटम की तो मोमेंटम कुछ खास नहीं दिखा रहा। रिटर्न भी बात कर लेते हैं 1 साल के रिटर्न की, तो रिटर्न में भी ये कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिखा रहा वाटर बेस। फिलहाल 111 पर अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आज एक थोड़ी 1.5 रुपए की बढ़त देखने को मिली है, पर अगर चार्ट टेक्निकल चार्ट बेसिस पे बात करें, टेक्निकल बेसिस पे बात करें, तो बिल्कुल भी एंटर करने की सलाह नहीं। पहले से अगर आपकी होल्डिंग है तो 107 का जो स्टॉप लॉस है वो लगा के रखें, आपको जैसे ये टूटता है प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दें, और कोशिश करें प्रॉफिट जितना हो सके आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि 107 ऐसे तोड़ता है, 90-85 के लेवल को ये छूता हुआ दिख सकता है वाटर बेस। सर ओबराय रियलिटी पर आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आगे बात करें दूसरे स्टॉक के साथ, ओबराय रियलिटी। हाँ, ओबरा रियल्टी बहुत अच्छा लग रहा है अभिषेक जी। आपको वापिस वही प्रेस्टीज चेस्ट का याद दिला दूं, उसमें से एक और स्टॉक ओबरा रियल्टी है जो रियल्टी सेक्टर में ट्रेड कर रहा है। इसको जो भी लेना चाहे मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले, 940-950 का लेवल अभी चल रहा है। ये 1050 से लेके 1200 का लेवल आपको 3 से 6 महीने में आते हुए दिखाएगा। 1050, 1100, 1150 और 1200, ये धीरे 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 ये आपको अपमूव आते हुए दिखेगा, तो अपना स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ाते रहें। अभी स्टॉप लॉस 900 का रख लें, जब ये 1000 के करीब आए तो अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट और धीरे धीरे आपको इस तरह से इंक्रीज करना है, तो आपको इसमें एक बेनिफिट अच्छा खासा मिल सकता है। ये हाई बीटा स्टॉक है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें घबराए ना। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। ओबरॉय रियलिटी की बात हो रही थी, हमने सर से निफ्टी बैंक निफ्टी, इसके अलावा बहुत सारे सर आपके क्वेश्चंस भी लिए, मार्केट पर रणनीति भी जानी, लोकेशन शो में जुड़े, दिवाली का सर एक दो अच्छा उपहार भी दिया। पहला बात कर लेते हैं कैनरा बैंक था, दूसरा हमारा पेस्ट्रिक स्टेट था जिसपे, इसके अलावा कैनफिन होम पर भी सर हमारी चर्चा हुई। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जो सर के ट्रैक लिस्ट में थे और वहां से निकल के आए, तो सर शेयर बताने के लिए, दर्शकों के सवाल लेने के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी रणनीति बताने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू लोकेश अभिषेक, थैंक यू।